और सेकंडों में खबर के बाद बात अब कुछ और खबरों की। उमेश पाल हत्याकांड के बाद प्रदेश सियासत में आया भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वही मामले में गिरफ्तार आरोपी सदाकत खान की दो फोटो सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर जबरदस्त हमले बोल रहे हैं। पाल हत्याकांड में सियासीकरण की चिंगारी लग गई है, जिसको हवा दे रही है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही दो तस्वीरें। इन दोनों तस्वीरों में मामले में गिरफ्तार साजिशकर्ता सदाकत खान दिख रहा है, लेकिन ये तस्वीरें जिन लोगों के साथ ली गई है वो अहम है। दरअसल सदाकत की पहली तस्वीर अखिलेश यादव के साथ है, जिसमें वो अखिलेश के साथ खड़ा हुआ है, जबकि दूसरी फोटो बीजेपी के पूर्व विधायक उदयवान करवरिया के साथ वायरल हो रही है। अखिलेश के साथ सदाकत की फोटो को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी ने एसपी पर राजनीति के अपराधीकरण का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी ने ही राजनीति का अपराधीकरण किया है और अभी तो श्री उमेश पाल जी की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता के साथ श्री अखिलेश यादव जी की फोटो आपको दिखाई दे रही है। आने वाले समय में जितने भी बड़े बड़े अपराधों के खुलासे होंगे और उन अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी के रिश्ते नाते जगजाहिर हो जाएंगे। ये पूरा प्रदेश जानता है और देश जानता है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने के लिए लगातार काम करती रही है। मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो अपराधियों की नर्सरी बनकर के पूरे देश में उभरी है। अखिलेश यादव को इसका जवाब देना चाहिए, क्या कर रहा था। हम तो पहले ही कह चुके हैं और मुख्यमंत्री जी सदन में कह चुके हैं कि इन लोगों को संरक्षण देने वाला कोई और नहीं, ये समाजवादी पार्टी वाले लोग हैं। तो अब तो अखिलेश जी को जवाब देना चाहिए और अखिलेश जी को जवाब ये भी देना चाहिए जो मैं अब पूछ रहा हूं उनसे कि आप पूछते हो कितने क्रिमिनल्स। अरे पहले आप बताओ कितने क्रिमिनल्स को आपने संरक्षण दिया। इधर इस फोटो पर समाजवादी पार्टी अपनी ही दलील दे रही है। तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। तो आज ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आता है फोटो खिंचवाता है। आपने आधी फोटो देखी, लाने वाला भी उसके अंदर फोटो के अंदर है, जिसने मिलाया वो भी फोटो के अंदर है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के दौर में आप सेल्फी और फोटो दिखा के मुद्दों से घुमाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो चौपट है, फिल्मी अंदाज में बम और गोली यहाँ चला के हत्या की जा रही है। सदाकत अली खान का एक और फोटो बीजेपी के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया के साथ वायरल हो रहा है। उदयभान करवरिया जवाहर पंडित हत्याकांड को लेकर जेल में बंद है और इस फोटो को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। बहरहाल उमेश पाल हत्याकांड के चलते प्रदेश में गुंडा राज को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। वही सदाकत की इन तस्वीरों के सामने आने के बाद उमेश पाल की हत्या का मामला अब पक्ष और विपक्ष की सियासत के पीछे कहीं चिपका नजर आ रहा है। टीम न्यूज स्टेट। चलिए बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से बड़ी खबर है। माफिया आतिक अहमद के फ्लैट में रेड यूनिवर्सल अपार्टमेंट में पुलिस ने छापा मारा है। प्रयागराज पुलिस ने छापेमारी से अड़कम मच गया है तो इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने कार को कब्जे में लिया। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, माफिया आतिक अहमद के फ्लैट में रेड मारी गई है। यूनिवर्सल अपार्टमेंट में पुलिस ने छापा मारा है। प्रयागराज पुलिस ने छापा मारा है और पुलिस की छापेमारी से हड़कंप मच गया। पुलिस ने कार को अपने कब्जे में लिया है।